हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम माँ काली की मूर्ति को कलर करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट टू है। पहले का वीडियो मैंने बनाकर दिखाया था, तो आप लोग वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं काली जी के बॉडी को छोड़ के बाकी पूरा वाइट कलर से मैं कलर करूँगी। देखिए इस तरह से, जितना भी बॉडी को छोड़ कर जितना ज्वेलरी है ये सब सारा कलर कर देंगे वाइट कलर से। इस तरह से जीभ को भी कर देंगे, शिव जी के भी पूरा बॉडी को वाइट कलर से कलर कर देंगे। अब काली जी के बॉडी को मैं ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। पूरा ब्लैक से मैं नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर मिलाया है। जी शिव जी के भी बॉडी को मैं कलर कर लेती हूँ। इसको बनाने के लिए मैं 20% ब्लू कलर और 80% वाइट कलर मिला कर बनाया हुआ है। तब देखिए आई को मैं रेड कलर से काली जी का डेकोरेट करूँगी। देखिए किस तरह से, तो आप ध्यान से देखते जाइए मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में कलर करके दिखाऊंगी। तो देखते जाइए मैं किस तरह से फेस को डेकोरेट कर रही हूँ। तो आई को मैंने रेड कलर से कर दिया, फोरहेड पर भी रेड कलर से इस तरह से मैं कलर करूँगी। देखिए फिर ब्लैक कलर से वहाँ पर आई भी बनाना है इस तरह से। अब नोज़ को भी मैं रेड कलर से इतना सिंदूर टाइप का लगा दूँगी, रेड कलर का अच्छा लगेगा। लिप को भी रेड कलर से करूँगी और जीभ को भी। देखिए इस तरह से हाथ को भी मैं रेड कलर से कर दूंगी। काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप ध्यान से देखते जाइए। देखिए मैं पैर का उंगली भी किस तरह से यह रेड कलर से मैं कलर कर रही हूँ, इसे थोड़ा सुंदर लगता है। आई भी मैं देखिए ब्लैक कलर से फोरहेड पर बना रही हूँ। हो गया हमारा आई। अब आई को भी मैं ब्लैक कलर से कर दूंगी। देखिए इस तरह से आई को हम कलर कर दिए हैं। आई बॉल भी मैं ब्लैक कलर से ही करूँगी। देखिए कितना ईजी है कि आई बॉल में ब्लैक कलर से बना दे रही हूँ। हो गया। अब इसके बाद आईब्रो को मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगी। देखिए ये डार्क ब्लैक हम यूज़ करेंगे आई बनाने के लिए। वहाँ पर मैं पिंक कलर का इस तरह से लाइनिंग कर दूंगी आईब्रो के पास, ताकि आईब्रो डार्क दिखे। आई बॉल में वाइट से थोड़ा सा बिंदु कर देंगे। आईब्रो के ऊपर वाइट कलर से हम डिजाइन कर देंगे ऐसे बिंदु बिंदु करके। आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और बिंदी को भी मैं वाइट कलर से ही लगा दी। टीथ को भी मैं वाइट कलर से कलर कर दी। अब हेयर को मैं डार्क ब्लैक से कलर कर रही हूँ, ताकि बॉडी से अलग दिखे। देखिए इस तरह से, देखिए अलग दिख रहा है बॉडी और हेयर, समझ में आ रहा है। तो ज्वेलरी को मैं येलो कलर से कलर कर रही हूँ। उसके बाद मैं ज्वेलरी को डिजाइन कर दूँगी। जितना भी देखिए ज्वेलरी है उसको येलो कलर से मैं कलर कर दे रही हूँ। हाथ जो लगाई हुई है उनको स्किन कलर से कलर करेंगे, को भी वाइट स्किन कलर से कर देंगे। जितना भी गले में ये लगाई है इसको डिजाइन कर देंगे ब्लैक से। देखिए इस तरह से इसको भी आईब्रो आई से बना देंगे। नेल का मैं वाइट कलर से बना दी। देखिए इस तरह से रेड वहाँ पर लगा देंगे, खून यहाँ पर रेड कलर से कटोरी में भर देंगे ताकि रियल लगे। सिंदूर लगा देंगे रेड कलर से और ज्वेलरी को भी डिजाइन कर देंगे, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से अब महादेव के को कलर करेंगे। देखिए उनका छाला बनाएंगे येलो कलर से, इसको भी डिजाइन कर देंगे। देखिए आई को मैं ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। आई बॉल ही ब्लैक से कर दूंगी, आईब्रो ही ब्लैक से, और फोरहेड पे इस तरह से वाइट से करके वहाँ पे एक आई बनाऊंगी छोटा सा बंद। पिंक कलर से लिप बना दूंगी। और अब देखिए मैं रुद्राक्ष को कलर कर रही हूँ। कलर बनाने के लिए मैं रेड और ब्लैक कलर मिला के बनाई हूँ। ये बाल को भी इसी कलर का हल्का मैच कलर कर दूंगी, और छाला को भी थोड़ा सा उस कलर को मिक्स करके मैं बनाऊंगी। देखिए नीचे का फर्श को मैं कलर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हमारा मूर्ति कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा अगला मूर्ति मैं किस चीज़ का बनाऊँ। तो फ्रेंड्स इस मूर्ति का मेकिंग वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा मेकिंग वीडियो। देखिए आप लोग को दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।